Assalamualaikum dears, मैं आप लोगों को अपने चैनल कंप्यूटर स्टूडियो वेलकम करता हूँ और आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ मैं कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे तीन ऐसे तरीके जिनसे हम किसी भी फोटो से एक ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो लिया जिससे हम ये इस शेप को हटा देंगे। इस शेप को हटाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही फोटोशॉप को ओपन किया और इस पिक्चर को यहाँ पर अपलोड किया है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक मतलब सबसे पहले जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है क्लोन स्टेप। क्लोन स्टेप का सबसे फायदा ये है कि जब हम किसी जगह को मतलब इसको क्लिक करते हैं तो वहाँ उसका क्लोन वहाँ पर बन जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर आल्ट दबा के क्लिक करें और ये क्लोन पैटर्न ये अगर हम यहाँ पर अगर आल्ट दबा कर यहाँ पर क्लिक करें तो आप देख सकते हो कि अब जब यहाँ पर हम इसको बनाएं तो ये बन जाएगा। तो आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहा है कि ये तो इसने डबल कर दिए, कैसे मिटाएगा? कैसे मिटाने के लिए हम इसको कंट्रोल आल्ट सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मिटाने के लिए हम एक ऐसी जगह पर हम अपना ब्रश को मतलब आल्ट दबा कर इसको सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर ये शेप ना हो, मतलब यहाँ पर हम यहाँ पर आल्ट दबा के जहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अप्लाई हो गए लेकिन वो शेप आ रहा था, इसीलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब इसको हम यहाँ पर आल्ट दबा कर क्लिक करेंगे तो सेम टू सेम यही चीज़ यहाँ पर भी बन जाएगा। फिर हम इसको यहाँ पर भी आल्ट दबा कर क्लिक करेंगे, ये भी यहाँ पर बन गए। यहाँ पर भी हम आल्ट दबाकर इसको क्लिक करेंगे, ये शेप यहाँ से मिट गए। तो आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से मैंने ये शेप यहाँ से हटा दिया। अब दूसरा तरीका ये है, हम इसको पहले वापस ला लेते हैं कंट्रोल आर्ट शिफ्ट के ज़रिए। अब आ गए, ये दूसरा तरीका ये है, इसको हम स्पॉट ईलिंग के ज़रिए इस ईलिंग ब्रश के ज़रिए हम कर देते हैं। ईलिंग ब्रश का साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिलेक्शन पहले हटा देते हैं, ये सिलेक्शन हमने हटा दिया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ईलिंग ब्रश लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इसको इजीली इस शेप को हमने यहाँ से हटा दिया। तो आप देख सकते हैं शेप यहाँ से बिल्कुल ही गायब हो गए। एक दूसरे का आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा शेप गायब हो गया और सब सामने ले गए। इसके बाद एक तीसरा मतलब बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन उसमें जो इतना क्लियरिटी एंड में आता है उसमें नहीं आता, उसको हम कहते हैं कॉन्टेंट अवेयर मूव टूल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये मूव के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इसको यहाँ पर बिल्कुल कुछ यहाँ पर हमने सबसे पहले हमको यहाँ से एक एरिया लेना होगा, मतलब हमने ये एरिया यहाँ से ले लिया, ये बन गया। अब इसको हम यहाँ से यहाँ पर लाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो फिर हम इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये डायरेक्टली बन गए। अब इसके जो मतलब किनारे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ये मतलब अलग दिख रहे हैं, तो इनको हम स्पॉट ईल टूल के ज़रिए इनको हम ठीक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो फिर से शेप यहाँ से गायब हो गए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। खुदा हाफिज़। Thank you.